बच्चों, हमने हिंदी में दो निबंध चिड़ियाघर की सैर, मेरा गांव और गुजराती में अनुवाद देखा। अभी हमको पुनरावर्तन एक भी करना है, तो चलो शुरू करते हैं। दोनों कक्षा 5 हिंदी में पुनरावर्तन 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या के शब्द कोष्टक में से ढूंढकर गोला कीजिए, बोलिए और नीचे क्रम में लिखिए। आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, आपको खुद से ये शब्द बनाने हैं, बराबर अंक दिए गए हैं, इनके शब्द बनाने हैं और खुद से इसके नाम लिखने हैं कि क्या बन रहा है। जैसे ये सारे मैंने गोले किए हैं, इसके ऊपर जो जो अंक बन रहे हैं उन सब पे गोला किया है और मैंने लिखा है। जैसे पहला है 17, फिर 12, फिर 26, फिर 27, फिर 27, फिर 45, ठीक है। इसी तरह से है 22, फिर 23, फिर 36, फिर 44, फिर 46, 31, 30 और 32। इस तरह के इन सारे ऊपर जो दिए गए हैं सारे अक्षरों को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया, मतलब अंक बनाए हैं, ठीक है। तो आपको ये सब कोष्टक में से ढूंढकर जो जो अंक बन रहे हैं वो सारे अंक आपको बनाने हैं हिंदी में, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। परीक्षा में इस तरह से पूछ सकते हैं, आपको इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद है कहानी। आपको यहाँ पर कोष्टक में से उचित शब्द ढूंढने हैं और उसके ऊपर से एक रिक्त स्थान भरना है। आपको यहाँ पर सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद, काली, बंदर, झगड़ने, भारी, सारी, दो, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा और हल्का। अब आपको ये कहानी है इसको पूर्ण करनी है, पूरी लिखनी है। एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी, एक कैसी थी, सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें क्या मिली, रोटी मिली। फिर एक रोटी के लिए वे क्या करने लगी, झगड़ने लगी। तो ये ऊपर से मैंने यहाँ से देखा, एरिया देखिए, ये रहा झगड़ने, झगड़ने लगे, ठीक है। उसके बाद इतने इतने में एक क्या आया, बंदर आया, वह तराजू लाया, उसने रोटी के दो टुकड़े किए। उसने टुकड़े कहाँ पर रखे, तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था और दूसरा कैसा था, हल्का। फिर उसने भारी पलड़े के टुकड़े में थोड़ा सा क्या, टुकड़ा उठाकर खा लिया। इस तरह से उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो आपको परीक्षा में इस तरह से पूछ सकते हैं, ऊपर ऐसे शब्द दिए गए होंगे, आपको यहाँ पर ऐसे ही रिक्त स्थान की पूर्ति करनी रहेगी। तो आपको इसी तरह से पूरी कहानी को पूर्ण करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखे। तो मेरी पाठशाला का नाम जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है। मेरी पाठशाला कहाँ पर आई है, सौदागरवाड़ में आई है। पाठशाला की इमारत अच्छी है, इसमें 24 कमरे हैं, एक कार्यालय है, एक कंप्यूटर का बड़ा कमरा है, दो शिक्षक रूम हैं और एक सभा भवन भी है। पाठशाला में पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12:10 तक का है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेल कूद में हमारी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी कबड्डी टीम कई बार जीत चुकी है। पाठशाला के सामने क्या है, खेल का बड़ा मैदान है। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। उसके बाद आपको पाठशाला में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो मुझे पाठशाला में क्या पसंद है, पाठशाला का भवन, बगीचा, मेरे अध्यापक और मेरे दोस्त पसंद है।
मुझे पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है। उसके बाद क्या नापसंद है, देखिए मुझे अनियमित छात्र नापसंद है, मुझे कठोर अध्यापक नापसंद है, मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा नापसंद है, और इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले छात्र भी नापसंद हैं। तो इतनी चीज़ें मुझे नापसंद है। उसके बाद है प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया, तो चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। दूसरा प्रश्न है चरवाहे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा, तो चरवाहे को अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चे द्वारा धूप में पसीना बहाने से क्या होगा, तो नन्हे राही के धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। उसके बाद है नन्ना राही कहाँ दम लेगा, तो कि नन्ना राही अब मंजिल पाने पर दम लेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 8 है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द उसमें पहला है राही, राही का समानार्थी क्या आएगा, मुसाफिर। दूसरा है सिपाही, सिपाही का क्या आएगा, सैनिक। तीसरा है धरती, धरती का क्या आएगा, पृथ्वी। उसके बाद रास्ता, रास्ता का क्या आएगा, समानार्थी पंथ। पांचवा मंजिल, मंजिल का समानार्थी क्या आएगा, ध्येय। छठा है नन्ना, नन्ना का समानार्थी क्या आएगा, छोटा। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, छोटा का क्या आएगा, बड़ा। छाव का धूप, दाया का बायां का दाया, नीचा ऊंचा, सुख का क्या आएगा, दुख, और लेना का देना। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 10 है संकेत और उसके सही अर्थगठन की जोड़ियां बनाइए। आपको यहाँ पर संकेत दिए गए हैं और उसके सामने उसका अर्थ दिया गया है, तो इसकी आपको जोड़ी बनानी है और आपको सिर्फ अ ब क ड ई यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला चिन्ह है वो किस चीज़ का है वो देखिए, तो यहाँ पर ई, ई यानी आगे बम है, ये वाला है। उसके बाद जो है वो क्या है देखिए, हाँ ये पी वाला, पी ये क्या है, ये किस चीज़ का चिन्ह है, तो ये है ई पार्किंग यहाँ करे। फिर है ये वाला, ये किस चीज़ का चिन्ह है, यहाँ पर क्या दिखा है, अ पार्किंग माना है। उसके बाद ये कौन सा चिन्ह है, तो ये है, ये रहा ब बाएं चलें। उसके बाद है पांचवा, पांचवा क्या है, दाएं चले। उसके बाद है ये वाला छठा, छठे में क्या आएगा, छठे में आएगा क, यू टर्न, तो आपको सिर्फ क लिखना है, यू टर्न। उसके बाद ये किस चीज़ का चिन्ह है, ये है, ये है ड, ये रहा जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पांचवा पाठ पुनरावर्तन निबंध और गुजराती में अनुवाद खत्म होता है। आप सबको इन सब की तैयारी करनी है, 1 से 5 पाठ की गुजराती में अनुवाद निबंध और पुनरावर्तन। ठीक है, सब अच्छे से पढ़ना और ध्यान से लिखना। अल्लाह हाफिज़।